देखिए, आज हम विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसे शॉर्ट में EMW कहते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, किसे कहेंगे? तो इसका उत्तर है, जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, तब परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब विद्युत परिपथ, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक सर्किट, जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, बहुत उच्च आवृत्ति से, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी से बदलती है, चेंज होती है, तब परिपथ से ऊर्जा, इनर्जी तरंगों के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, प्रसारित होने लगती है, फैलने लगती है चारों ओर। तो इन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, तब परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई और चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी परस्पर लंबवत होते हैं। ये 90° कोण होता है और ये तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तरंग इस दिशा में चल रही है, तरंग के चलने की दिशा, चलने की दिशा, यहां कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं तथा ये तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं। यानी ये कोण 90° तो होता ही है, ये कोण भी 90° होता है और ये कोण भी 90° होता है। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनके कई लक्षण हैं, इनके कई विशेषताएं हैं। जैसे पहले विशेषता, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश
एक्सीलरेटेड चार्ज द्वारा उत्पन्न की जाती है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी चल सकती है, निर्वात में, वैक्यूम में भी चल सकती हैं। तीसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की चाल से चलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की चाल अर्थात 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाणों का अनुपात स्मॉल सी के बराबर होता है, जहां स्मॉल सी प्रकाश की चाल है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। सातवां पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बराबर बराबर विभाजित होता है। आठवां, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकाशिक गुण विद्युत क्षेत्र वेक्टर वेक्टर ई पर निर्भर करता है, इसलिए वेक्टर ई को प्रकाशीय वेक्टर भी कहते हैं। प्रकाशीय वेक्टर अंग्रेजी में लाइट वेक्टर या ऑप्टिकल वेक्टर कहा जाता है, ऑप्टिकल वेक्टर या लाइट वेक्टर। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ लक्षण हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। चाहे विद्युत चुंबकीय तरंग कहें या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहें, तब इसको साइट में EMR कहते हैं। EMR का अर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो प्रकाश है लाइट, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, विजिबल रेस, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेस, माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे इसको बोलते हैं, माइक्रो तरंगे, माइक्रोवेव्स एवं रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे निरावेशित होते,
विद्युत चुंबकीय तरंगों के ये सभी उदाहरण हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, दृश्य किरणें, इंफ्रारेड किरणें, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ये था विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में कुछ जानकारी।